अगर छट जाता ना बेटा, नया बोलेरो का तुम्हारा अभी बताते हैं हम। यहीं से घूमे? अच्छा इधर आगे से। ओके थैंक यू। ओहो बस ये साइड तो दे दो अंकल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए कि आ चुके हैं और एक नई वीडियो गाइस। तो गाइस आज है अपने एको का 6th सर्विस शायद, ठीक है। तो मैं क्या करूं यार, डेढ़ महीने पहले, मतलब लगभग 40-45 दिन पहले इसका सर्विस का टाइम था, लेकिन काम की वजह से मुझे याद नहीं आया। और मैं थोड़ा सा भी मुझे समझ में नहीं आया कि हाँ अरे यार ये क्या कर रहा है, सर्विस कराना है तो मैं भूल गया था गाइस, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अभी आज चलते हैं, कॉल आया था कि हाँ आप आ जाओ और आके करा लो सर्विसिंग। तो बोले ठीक है, तो देखते हैं। 45 डेज हम लोग लेट हो चुके हैं, तो देखते हैं क्या सीन रहता है, क्या बोलता है लोग सर्विसिंग में। ऐसे गाइस देखो, अपनी बाइक में तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, फिलहाल में एक बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा है। तो बैटरी का प्रॉब्लम तो बैटरी शायद मुझे चेंज कर देना चाहिए, अगर चेंज कर दूंगा तो सही हो जाएगा बैटरी। स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले दो दिन पता नहीं क्यों पूरा डाउन हो गया, स्टार्टिंग नहीं हो रहा था। तो आज वो भी चेक करा लेंगे, बैटरी ठीक है या फिर मतलब बाइक में प्रॉब्लम है या फिर बैटरी ही ख़राब है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है। ठीक है यार, आप लोग प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहो यार, पूरा वीडियो देखोगे फिर पता चलेगा कि हाँ मैं पूरे वीडियो में क्या बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग का काम कभी बहुत सारा ऐसा बात बोल देता हूँ जो आप लोग नहीं सुन पाते हो, पूरा देखती नहीं हो और पूरा सुन नहीं पाते हो, इसकी वजह से आप लोग पीछे रह जाते हो। अरे भाई हमको लगा कि जाम है, ये तो निकल गया। यार यही ना है, देखो हम रॉक नहीं चलाते हैं, कोई बात नहीं गाइस। देखो वी शेफ राइड से, ठीक है, तुम सही रहोगे या फिर मैं अगर सही रहूँगा, मैं ढंग से चलाऊँगा तो ही आप लोग के लिए फिर और दूसरा ब्लॉग लेके आ पाऊँगा, ठीक है। अगर मैं ही रफ चलाऊँ अगर एक्सीडेंट होता है तो नुकसान होगा, ठीक है। बताओ यार, हम लोग सोचे थे कि हम लोग टाउन की तरफ से आएंगे, आज हाईवे की तरफ से आए, फिर भी ये हाल है। टाउन की तरफ से आते तो और क्या होता। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, पूरा जाना है यार। बस यार हम भी रफ कर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। पीछे पिलियन है यार, फिर भी थोड़ा सा पकड़ के बैठो। हाँ देखो यार, ऐसा नहीं है कि चलाते नहीं है, ठीक है, बस सोचते हैं अपने फैमिली के बारे में और खुद के बारे में, इसीलिए डर लगता है कि फैमिली उतना स्ट्रांग है नहीं। अगर आज को कुछ मुझे हो जाता है
तो मेरी फैमिली परेशान होगी, मेरे घर वाले परेशान होंगे, इसीलिए। अगर सट जाता ना बेटा, नया बुलोरो का तुम्हारा अभी बताते हैं हम। यार इतना ज़्यादा जाम है, मुझे ग्लोव्स पहन लेना चाहिए था यार, पूरा टैनिंग हो जाएगा। लग रहा है उधर से जो गाड़ियाँ आ रही है ना, पूरी भीगी हुई आ रही है, लग रहा है कि आगे पानी भी जाम लगा होगा। यप, लगा तो हुआ है। कोई बात नहीं, मैं अपना बड़ा वाला शूज लेके आया हूँ, पहन के आया हूँ, तो अगर पानी में भी पैर डालना पड़े तो कोई इशू नहीं है। ये क्या हो गया भाई साहब? ये देखो इसको क्या हुआ है, बीच में ऐसे ऐसे तो पागल है, इन्हीं लोग की वजह से जाम लगता है गाइस। यहीं से घूमे? अच्छा इधर आगे से। ओके थैंक यू। यार एक बड़ी बाइक है ना, इतना ज्यादा दिक्कत होता है। ओहो बच गया यार, ये क्या किया है लोग। यार शायद बन रहा है ये, नहीं तो बहुत गड्ढा गड्ढा था इधर, अभी बन रहा है। मीडिया से नहीं है। हाँ हो गया। देखिए आप भी आएंगे उसमें, यहाँ पे आइए आप दिखेंगे उसमें। ठीक है गाइस, फाइनली सर्विसिंग डन, अभी निकल रहे हैं। अरे यार कीचड़ कीचड़ पूरा, इतना पैसा कमा रहे हो यामा वालों। ये देखो मेरे दोस्त को क्या हुआ, बैठो आओ इधर। बोल रहे हैं कि इधर साइड में एक दुकान है, चलो ना इंडिकेटर देख लेते हैं, अगर होता तो ले लेते हैं। तो गाइस साइड में एक है दुकान जहाँ से मैंने पहले भी एक लिया था अपने हेलमेट का, जो हेलमेट में जो लगाया हूँ ना ऊपर रेड कलर का वो, तो देखते हैं अगर उसके पास अगर इंडिकेटर होता है तो ले लेते हैं और फिर चलते हैं। बॉडी इंडिकेटर है क्या आपके पास? हाँ एक साइड वाला खराब हो गया है, दिखाइए तो।
दिखाइए ना, कौन सा है दिखाइए ना। ये फिट करके फिटिंग चार्ज एक्स्ट्रा आपके पास से ले रहे हैं अगर, तो फिटिंग आपको करना पड़ेगा ना। तो हम जहाँ से उसको लिए थे फिटिंग चार्ज उसी में वो हो गया था, वो हम 350 का लिए थे, लगा के दिया था 350। ये कितना का? 380। ये भी 380। ओह सॉरी, ठीक है।